अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आज मौसम बड़ा मज़े का, पूरी रात बारिश होती रही है, तो उस वजह से ना आज धूप नहीं निकली हुई, तो बादल ही बने हुए हैं, तो कभी कभी बीच में बारिश हो जाती है। और लेकिन यह कि अभी ना हबस वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। तो बच्चों के स्कूल शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अब एक दिन तक बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर देना है, तो इनकी दौड़ें लगी हुई थी हमारी उनके साथ के, बुक्स लेके आनी थी, उनका यूनिफॉर्म की टेंशन थी और जो भी चीज़ें, क्योंकि इनके नखरे बहुत ज़्यादा हैं। तो आज उमर साहब कह रहे थे बाबा हमारी तो कटिंग भी होने वाली है, ऐसा तो हमने स्कूल नहीं जाना। मैं कहा ठीक, हाँ जी, साइकिल पे कटिंग नहीं होती बेटा, ठीक है। नहीं नहीं, कटिंग वाले अंकल इधर ही आ रहे हैं, अच्छा कटिंग वाले अंकल इधर ही। तो कह रहे थे जी हमने स्कूल नहीं जाना जब तक हमारी कटिंग नहीं होगी जी। बेटा आप किधर जाना? आप कटिंग वाले अंकल इधर आ रहे हैं, कभी उधर कटिंग करवाई, अंकल आने वाले हैं। तो कह रहे थे जी हर चीज़ के ना बहाना, क्योंकि स्टार्ट है तो इनको ज़रा जाना मुश्किल ही होता है इनका स्कूल, फिर एक दो दिन बाद ना रिदम में आ जाते हैं। तो कह रहे थे जी कि कटिंग नहीं करवाओगे तो हमने स्कूल नहीं जाना। तो मेरे भी जहन में नहीं था कि इनकी तो कटिंग करवाने वाली है, तो फिर मैंने कटिंग वाले भाई को कॉल की थी, वो कह रहे मैं भाई मैं आ जाऊँगा। मैं ठीक है यार जल्दी पहुँचूँ, तो मैं कहा क्यों ना इनकी वीडियो भी बनाई जाए। तो अब कटिंग वाले भाई आ रहे हैं और इनकी कटिंग को देने लगी है। जहन बेटा कैसे कटिंग, उमर आपने कैसे कटिंग करवानी है? और इनकी चीज़ें हैं, हम तो अपनी मर्जी से करवाते थे जब छोटे थे, जैसे घर वाले डिसाइड करते थे हम वैसे ही करवा लेते थे। लेकिन यह कि इनके ज़रा मना रहे हैं कि जी हमने ऐसे करवानी है, ऐसे करवानी है। तो अब वही भाई हैं जो पहले करते हैं और उनको इनका पता भी है कि किस तरीके से करवाते हैं। तो अब उनको बुलाया, तब देखते हैं क्या कैसी कटिंग इनकी होती है, और साथ साथ हम इनकी वीडियो भी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग ना 5 मिनट का कह के या 10 मिनट का कह के दो दो घंटे यानी कि आते नहीं है। अब मैंने बच्चों की करवानी है कटिंग, और मैंने कॉल की थी जो रेगुलर आते हैं भाई कटिंग करने के लिए, तो अब तकरीबन मेरे ख्याल से इस वक्त 3:30-4 बजने वाले हैं, और उस भाई को मैंने तकरीबन 12-1 बजे कॉल की थी। मैं कही यार तो बच्चों की कटिंग करवानी, तो आप फ्री हो? तो कह रहे थे जी मैं फ्री हूँ, तो मैं आ रहा हूँ बस। वो टाइम जा रहा हो अभी तक, वो 5-5, 10-10 मिनट कह के तो अभी तक आ नहीं थे। तो अब फ़ोन किया था मैंने लास्ट, कह रहे भाई मैं बस निकल पड़ा। मैं कही यार तू जी ड्रामा लगाया हुआ है, तूने अगर आना तो बता, मैंने और भी काम जाने। तो नहीं नहीं मैं बस आ रहा हूँ, तो अब देखते हैं कब आता भाई जी। फाइनली बच्चों की कटिंग शुरू होने लगी है, भाई आ गए वो बाल काटने वाले। और अब अच्छा मुझे ये बताओ का कटिंग किसने करवानी है पहले? जैन पहले करवाओगे क्या? उम्र पहले किसने करवाई थी? एक मिनट, किसने करवानी? चलो हाँ बाहर। नहीं 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 नहीं, लास्ट टाइम पहले आपने करवाई थी। नहीं नहीं गलत बात है। नहीं लास्ट टाइम पहले जैन ने करवाई थी ना इसने, अब उम्र पहले करवाएगा? नहीं जो बेटा नहीं, अब उम्र हमेशा नहीं नहीं मैं चले जी उम्र चलो उम्र अब इनकी जी गाड़ी वगैरह बाहर निकाली हमने, ताकि ना करो स्कूल ऐसे जाओ गया, ठीक है ना? हाँ ना करो, ओके जी ओके, अब इनको प्रिपेयर करते हैं जी। हाँ जी चले जी, इस दफा डिसाइड हुआ है जी तो उम्र की पहले कटिंग होगी, ठीक है। जैन बासा लास्ट से पहले तुम्हारी हुई थी, ठीक है, इस दफा डिसाइड हुआ है। अच्छा ठीक है, उमर साहब की कटिंग पहले होगी? ना 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 बाज़ आओ जी, बाज़ आओ, लड़ना नहीं, गंदी बात, वीडियो बन रही है आपकी। अच्छा और उमर कैसी कटिंग करवानी है बता दो आप। मैंने जो आप करवाते हैं वही वाली। मैं कैसी करवाता हूँ यार? जो पहले करवाते थे आप। पहले करवाता था यार किस तरह की करोगे ना कटिंग? हैं अली भाई, अली भाई तुहानू ऐतकत ना सजा देनी चाहिए, सीरीयसली ऐतकत। तुम मेरे इन्ने को काम मेरे सन, मैं बाहर निकलना सी, 2-3 काम करने सन, मैं थोड़ी वजह तो पिछू मैं निकल नहीं सकता। मैं कम से कम टाइम दस दें ना, तो तक मैं अपने काम हूं तक खत्म करके आ जाता सी। मैं
चलो कोई गल नहीं। ये हमारे भाई साहब रेगुलर हैं, वो बड़े नाइस हैं, जब भी आ जाते हैं, लेकिन इस दफा इन्होंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। अच्छा उम्र किस तरह की करोगे यार, इन्होंने स्कूल शुरू हो रहे हैं तो उतों वे रखोगे छोटे? हाँ स्कूल की है, स्कूल का तो कोई टेंशन नहीं, कोई स्टाइलिश अच्छे जी कर दो, ऐसा बात थोड़े उत्ते रहने वेखने की कर दो तुम, ठीक है उमर जी? आप आपने बताने तो आप बता दो कैसे करवाने। हाँ जैन को ना आपने टकला कर देना, नहीं जैन को टकला कर देना यार, तो फाइट तो गंदी बात होती है ना। गुस्सा आता ना जी, मेरे बेटे को प्यारे से कटिंग करें आप, ठीक है? अच्छा मैं करवाता हूँ। उमर दोनों भाइयों को टकला ना करा दो, आपको भी और जैन को भी। जैन पास आ, उसे तंग ना करो, मिल जाएगी। जैन आपको तंग नहीं करता, ठीक है ना? गलत बात है अली भाई, तुम जल्दी तो नहीं ना जी? अच्छा फिर ठीक है, रामदाद ही करियो फिर। ये ले जो, उमर साहब की कटिंग शुरू हो चुकी है, अब देखते हैं। गुदी गुदी हो रही है जी, गुदी गुदी हो रही है से। उमर जैन आप पीछे जाओ, क्या 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 कह रहे हो, छोटे कर रहे हैं? ठीक है, अच्छे से करते हैं। ये ले जी, उमर साहब की तो कटिंग हो गई है। हाँ जी इधर, उमर पंछला कितना प्यारा है, और आज ये सुबह सुबह उमर साहब ने स्क्रैच खा लिया बिल्ली से। इतना नहीं, कटिंग खराब हो जाती है ऐसे। हाँ खराब हो जाएगी बाद में ना कहना कि खराब हो गई है। ले जी फाइनली उमर साहब की कटिंग हो गई है, और ये फाइनल टच है जी। और उमर आज ही शरारतें ज्यादा कर रहा है, दिखाओ। ये देखिए जी हमारी बहना, ये बाहर घूम फिर के अब अंदर आई। आशीष ने हमारी बैलों को अंदर कर दिए, दिखाओ जी इधर तो दिखा यार, अच्छा हो गया चेहरा तो दिखाओ, इधर तो दिखाओ। हाँ ठीक है जी, साफ कर लो यार, मैं कर दूँ, बाल तो पीछे कर दो जी। खुद खुद इधर देखो, बाल पीछे करो ना जरा, कैसे लगे? ठीक है इधर आओ। ये जी जैन उमर के फ्रेंड है, और इनके साथ जैन आ जाओ, अब आपकी टर्न है। चले जी जैन की टर्न आ गई है। नहीं नहीं कंजे नहीं कर रहे, आपको आप ही बताओ अंकल को, जिस तरह की उम्र की हुई है वैसी करवानी है आपने। पिक्चर दिखाऊं आपको कैसी कटिंग करवानी है? उमर बेटा जाओ अंदर चेंज कर लो, कैसी कटिंग करवानी है? ये तो बड़ों की है ना, बच्चों वाले भी है। ले जी ओहो ये भी ठीक है, ये मुझे करानी है ये तो बहुत यार पतले है, मुझे तो लगता है ऐसे करवा लो। ये ठीक है, ये ठीक है, ये वाले कर लेते, ठीक है जी। हाँ जी फाइनल हो गया जी, जैन साहब ने कौन सी कटिंग करवानी है? सेम सेम करनी जी, सेम सेम कर दो दोनों भाई, या कपड़े तो चेंज करो। ये देखो बाहर घूम फिर के, एक तो उमर साहब के ना,
नहीं मैं उम्र की बात कर रहा था, मैं तो जैन की बात ही नहीं अभी की यार। एलर्जी जैन की भी कटिंग शुरू होने लगी है। जैन जैन अब आप रोते तो नहीं है ना स्कूल जाने के लिए? परसों स्कूल जाना है ना आपने? रोता भी स्कूल जाने? नहीं जी, अब तो मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब तो नहीं रोता। पहले रोता था, हाँ पहले रोता था। अभी एक छुट्टी है बेटा, अभी छुट्टियां छुट्टियां हैं। हां और माशाल्लाह जी, ये जब भी बचोगी कटिंग करवाते हैं ना जी, तो बारिश शुरू हो जाती है। लास्ट टाइम भी ना तेज आंधी आई लास्ट, और अब भी हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई, और अल्लाह करे तेज बारिश शुरू हो। ओहो माशाल्लाह बारिश तेज शुरू हो गई है। बारिश शुरू हो गई है जी, बारिश शुरू हो गई है। हाँ जी जैन, अब बारिश में नहाए और जैन पाला सा बेबी भी बन जाएगा। हाँ नहीं बेबी नहीं हो आप यार, बेबी हो आप। ओ मतलब बारिश देखो, बारिश कुछ स्पीड के साथ शुरू हो गई। मौसम एकदम ही ठंडा हो गया, हालांकि दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, घंटा लग गया। अब बारिश शुरू हुई है माशाल्लाह। जी उमर साहब कटिंग करवाने के बाद आ गए, बारिश हो रही थी पता है आपको? बड़ा नहीं, अब तो नहा के फिर नहाओगे? हाँ नहा के फिर नहीं अगर लोगे हैं फिर नहाना पड़ेगा ना यार, इस दफा ना करो यार, ना ही अगर नहीं ना यार हैं ना जी। तुझे बारिश में नजर आ रही? क्या नहीं नजर आ रहा? बेडरूम बाहर का पानी चेक करो। चेक कर लो, कर सकते हो आप पानी? ये देखिए जी हमारी बेला ने, ये बेला हमारी और साथ उसका बेबी, बेबी नजर नहीं आ रहा उसका अंदर करके। ये उनके लिए सेपरेट जगह हमने इसलिए रखी है क्योंकि जो हमारे पास मेल है ना वो कहता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ना टेंशन होती है कोई उसको उनसे हर्ट ना करे, उस वजह से फिर हमने इसके लिए ये जगह रखा था उसको अंदर। अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इंशाल्लाह उसका भी एक ब्लॉग तैयार होना है। आ गए मजा आ रहा है? वाह जी मजे आ रहे हैं। थोड़ी सी पतली नहीं? ठीक है ठीक है। चले तो ऊपरों थोड़े हल्के करोगे बाल? जी ठीक हो गया, ट्रिमिंग करेंगे। हाँ वो तो ट्रिम कर दो। ले ले जी, जैन साहब की भी कटिंग फाइनल में आ गई है, साइडें उन्होंने सेट कर दी हैं। तो लास्ट टाइम ना मैंने इनकी कोई पिछली दफ़ा नहीं, उससे पिछली दफ़ा कटिंग करवाई ना इनकी, तो ये नाराज़ होकर बैठ गई जी, आपने मेरे बाल छोटे करवा दिए जी। मैं यार फिर आपको जी बेटा ज्यादा पानी नहीं भरा, ज्यादा पानी बाहर पानी नहीं भरा, थोड़ा सा थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा यार फिर अपनी मर्जी कर लिया करो, जैसे कहोगे बाद में। किसको सुधा मर्जी ना
ना अंकल की चीजों को टच ना करो। वाओ कितने प्यारे बाल हो गए जी, पूरी गैंगस्टर लुक आ गई है। ना स्टॉप इट बेटा, ना करो, नहीं ऐसे नहीं करते। जैन साहब की ऊपर नहीं जाओ, उमर उमर ऊपर नहीं जाओ, उधर लगी हुई है मोटर, तो मैं नहीं चाहता कि इधर आ जाओ आप नीचे। ये कहना माना करो गले जी। जैन साहब की माशाल्लाह फाइनल हो गई है और जैन साहब ने कटिंग करवा ली। जैन मुखा तो ऊपर दिखाई यार, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ उमर आओ इधर आओ। ओए नहीं नहीं बोलो अंकल, अभी तो मैं छोटा हूँ। माशाल्लाह अली भाई कटिंग अच्छी करते हैं। और ये देख जी हमारा सिम्बा, वो पहले बैला थी, ये सिम्बा साहब पता नहीं अब कहाँ पे घूम के आए। ये आजकल ना थोड़ा सा हुआ है, ये ले जी ए हैं बाल। देखना यार बाइक बस खड़े हो, बाइक के पास खड़े हो ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ये जी फाइनली हमने करवा लिया कटिंग। और ये देखिए जी उमर साहब कैसे बैठे हुए हैं, ये देखें। और इनके साथ जी हमारी डील डन हुई थी कि जी कटिंग करवाओ तो हम आइसक्रीम खाने जाएंगे, ये देखिए। तो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो उमर ने मूड ऑफ कर लिया जी कि आप मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके नहीं जा रहे। तो अब जी हम निकल रहे हैं बाहर। अब जो खड़े तो जो कैसे बैठे हुए हैं, आज मैंने कहीं और से आइसक्रीम खानी। कहाँ से खानी मेरे बेटे ने, जो मां के पास आइसक्रीम मिली थी ना, स्वीट क्रीम से। चलो हम जहाँ पे आपका दिल चाहता है ना आप मुझे बता देना, ठीक है। और कुछ खाना है? और कुछ खाना है? क्या खाना है जैन, आपने आइसक्रीम नहीं खानी? क्या खाना है फिर मेरे बेटे ने, क्या खाना है और क्या खाना है? चले माशाल्लाह देखिए इनकी कटिंग कितनी प्यारी हुई है, इधर मुखा कर चिप्स। और मेरी भी माशाल्लाह अच्छी कटिंग हो गई है। चिप्स चिप्स भी खानी है। चले जी अब हम बाहर जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या खाते हैं। है स्टाइल है ये देखो, अब इसके काम देखें। आइसक्रीम की बीच में कटिंग की इसी चक्कर में करवाई कि जी हम जाओ वहां पे अच्छा। गाड़ी को पीछे देख के, गाड़ी पीछे ना आ रही हो तो अब जी उमर साहब की एक्साइटमेंट लेवल चेक करें। भाई इधर जाना है उस साइड में, ये ले हम फाइनली आ गए हैं आइसक्रीम लेने। ये खुद ऑर्डर करना था जी, चल बताओ। मैंने ब्रीला और चॉकलेट और मंटीस वाली खानी है। तो जैन आपने? जैन ने इसने भी वही खानी है। जैन ने भी वही खानी है? जैन जी मैंने भी खानी। वही चले ठीक है, चले ले उमर इस साइड पे आओ। चलो मैं पकड़ा देता हूँ ना ड्रामे का, ये टिश्यू मैं पकड़ ली। चलो जमी है चले, चलो जी चले। अब हमने अपने ले लेंगे अब जी। अब हैप्पी हो? जैन की तो कटिंग भी बड़ी अच्छी हुई है। जैन जी आपकी कटिंग बड़ी प्यारी हुई है। चले जी हो गया भाई, बहुत शुक्रिया। चलो चेक करते हैं, बहुत शुक्रिया। ये मटका फ्राइज, मटका फ्राइज और सर इसमें जो डबल होगा ना रैप वाला, जी जी वो स्पाइसेस स्पेशल होगा शवारमा जी, और जो सिंगल होगा वो पैच पैच शवारमा होगा। ठीक है बहुत शुक्रिया, थैंक यू भैया, बहुत शुक्रिया।
खुशबू तो इनकी बहुत आउट क्लास है, बहुत मजे इनकी सारी चीजें ना। हम कह रहे थे कि क्यों ना इनका एक्सपीरियंस किया जाए। ठीक है, तो ये है जी इनके ट्विस्टर, काफी हैवी है। जरा आप आइस क्रीम खा रहे हो, चलो मैं खिलाता हूँ। यमी है ये, माशाल्लाह इनका ये लंबर हार्ट है। हमारा मूड था बाहर बैठ कर खाने का, लेकिन इनसाइड बैठने का मूड नहीं था। वो कहते थे कि सर बारिश हो गई है, उस वजह से हमने आउटडोर सीटिंग नहीं आज की है। अरे दोबारा खाना तो नो डाउट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब घर जाके हम इसको खाएंगे। तो हाँ जी अच्छा अपने, और आपको आइसक्रीम पसंद आई है काइंडली, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।